द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। G20 समिट में कई तस्वीरें जो यादगार बन गईं, लेकिन सबसे ज्यादा इस वक्त एक खास तस्वीर की चर्चा हो रही है जो वाकई में मनमोहक है और चर्चा का विषय भी है कि यूके के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के घुटनों में बैठे हुए हैं और उन्हें बड़े गौर से सुन रहे हैं और इसे लोग अपने अपने तरीके से व्याख्यान देकर बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। कोई ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की तारीफ कर रहा है कि ये बेहतरीन इंसान है, सज्जन व्यक्ति है, तो दूसरे तरफ हर कोई इस तस्वीर के लिए कल्पना कर रहा है कि वहां शेख हसीना की जगह अगर प्रधानमंत्री मोदी होते तब बात क्या होती, तब देश में भारतीय जनता पार्टी क्या विचार कर रही होती, उनकी राय क्या होती, ढिंढोरा कैसा पीटा जाता, या फिर गोदी मीडिया इस वक्त क्या खबरें बना रही होती। इसको लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त तरीके से चर्चा चल रही है और इस तस्वीर पर खबरें भी बनी है। अमर उजाला ने इस मामले में भी खबरें प्रकाशित की हैं, कुछ लोगों के ट्वीट को भी दिखाए हैं। इसके अलावा पंजाब केसरी ने अपने हेडलाइन में लिखा है, वह प्रधानमंत्री हो तो ऐसा, शेख हसीना की बात सुनने के लिए घुटने पर बैठे ऋषि सुनक। अब यह कहा जा रहा है कि कोई इंसान अपने ताकत से या पैसे से बड़ा नहीं होता, उनके भीतर कितनी इंसानियत होती है ये बहुत जरूरी होता है। अब ये बेहतरीन इंसान है, जिंदादिल इंसान है, इस तरीके की टिप्पणी आ रही है। यहाँ पर पंजाब केसरी ने भी लिखा है कि दरअसल सम्मेलन से इतर एक बैठक के दौरान ऋषि सुनक बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना की एक तस्वीर वायरल हुई है जिसमें ब्रिटिश पीएम घुटने पर बैठकर अपनी बांग्लादेशी समकक्ष से बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। शेख हसीना जहां कुर्सी पर बैठी बात कर रही हैं, तो वह सुनक उनको सुनने के लिए घुटने के बल बैठ गए। उनकी इस सादगी ने सभी के दिल जीत लिए। लोगों का कहना है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सज्जन व्यक्ति हैं और यह तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इसमें देखिए कुछ खास कमेंट हमने देखे हैं जो आपको भी देखने चाहिए। एक कन्हैया कुमार का यह पैरोडी अकाउंट मालूम पड़ता है, इसी तस्वीर को साझा करते हुए इसमें लिखा गया है, अगर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की जगह कुर्सी पर भारत का पीएम होते तो यूके का पीएम ऐसे घुटनों के बल बैठकर बात कर रहे होते तो मीडिया और नारंगी जगत का क्या माहौल होता। और इस पर लोग बखान करने लगे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि यहाँ अगर प्रधानमंत्री मोदी बैठे होते और उनके सामने घुटने पर ऋषि सुनक आ जाते तो गोदी मीडिया खबरों के बौछार लगाती होती, उनके खबरों का अंदाज ही कुछ और होता। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर कुछ ट्वीट हम आपको दिखाते हैं जिसमें लोग अपने हिसाब से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। शाहनवाज अंसारी नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा है, दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन की यह तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात करने के दौरान घुटनों के बल बैठे हुए दिख रहे हैं। यह सिर्फ उम्र का एहतराम है, ऋषि सुनक की तहजीब है और कुछ भी नहीं। लेकिन फिर उन्होंने अपने अगले ट्वीट में लिख दिया है कि लेकिन अगर इस तस्वीर में शेख हसीना की जगह मोदी जी होते और दुनिया का कोई भी लीडर ऐसे घुटनों के बल बैठा होता तो भारतीय मीडिया खबर चलाता, मोदी के सामने दुनिया घुटने टेकने को मजबूर, दुनिया ने माना मोदी महान नेता, मोदी के बिना दुनिया नहीं चल सकती, मोदी है तो दुनिया है वगैरह, इस तरीके से खबरें बन जाती, इस तरीके के हेडलाइन बन जाते। वैसे गोदी मीडिया तो ऐसे हेडलाइन हमेशा से बनाता ही रहा है, कहता है कि मोदी जी का दुनिया ने लोहा माना, लेकिन इस तस्वीर के बाद तो कुछ इसी तरीके के बवाली हेडलाइंस आपको देखने को मिल जाते, क्योंकि पूरी दुनिया दंग है कि ब्रिटेन के यूके के प्रधानमंत्री बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आगे घुटनों के बल बैठे हुए हैं। तो सवाल तो लोग करेंगे कि यूके तो बहुत ताकतवर देश है, बांग्लादेश की अपेक्षा तो बहुत ताकतवर है और ऐसे परिस्थिति में वो क्यों बैठ गए। तो लोगों ने कहा है कि शेख हसीना एक सम्मानित बुजुर्ग नेता है, उनके सम्मान में अगर वो वहां बैठ गए तो ये उन्होंने अपने इंसानियत का और अपनी संजीदगी का परिचय दिया है और ऐसे में इसे गलत अंदाज से पेश करना ये सही नहीं है कि वो क्यों बैठ गए, क्यों नहीं उन्हें बैठना चाहिए, ये आप नहीं तय करेंगे कि उन्हें कैसे बैठना चाहिए। एक प्रधानमंत्री
जानता है कि वो क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो एक देश का नेतृत्व कर रहा है। ऐसे में गोदी मीडिया वाले यहां पर प्रधानमंत्री मोदी की अगर कल्पना कर रहे होते तो उनके लिए हेडलाइन पर देखिए कैसी टिप्पणी आने लगी है। कुछ और ट्वीट दिखाते हैं। कृष्णकांत नाम के एक जर्नलिस्ट ने लिखा है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक घुटनों के बल बैठकर बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से बात कर रहे हैं। अगर ये तस्वीर भारत के प्रधानमंत्री के साथ होती तो अंदाजा लगाइए क्या होता। मीडिया और गोदी एंकर जो कि पहले से पागल हो चुके हैं अब तक आसमान सिर पर उठा लेते। निश्चित तौर पर ऐसी ही कुछ बातें होती कि गोदी मीडिया वाले महिमा मंडल में जुट गए होते। यहां पर शिवम कुमार नाम के एक ट्विटर यूजर ने लिखा भी है, गोदी मीडिया के एंकर टीवी चैनलों पर बांग्लादेश की बैंड बजा रहे होते, बांग्लादेश से युद्ध की बात कर रहे होते, तो गोदी मीडिया की भूमिका को लेकर हर कोई प्रश्न चिन्ह लगा रहा है कि कैसे ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के भजन गाने में लगे रहते हैं। उन्हें कतई फर्क नहीं पड़ता कि इस वक्त देश में जरूरी मुद्दे क्या है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया की असली भूमिका क्या है, वो इन मीडिया वालों को दिखाई नहीं देता है। उनके लिए खबर यह इंपॉर्टेंट है कि कैसे वो मोदी जी समेत पूरे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महिमा मंडन करते रहे और बस यही खबर दुनिया देखती रहे। लेकिन गोदी मीडिया के साख पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं। एक साहिल नाम के ट्विटर यूजर ने भी बहुत ही तंज कसने वाली टिप्पणी कर दी है कि विश्व गुरु तो मोदी जी बने थे पर ये अंग्रेजों के पीएम हसीना जी के कदमों के नीचे कैसे बैठ गए, सुनक जी को कोई कंफ्यूजन हुई गवा का, ये लोग कमेंट कर रहे हैं। दरअसल ऋषि सुनक ने जो किया वो उनकी अपनी तहजीब है, उनका अपना संस्कार है, उनकी संजीदगी है कि वो एक बुजुर्ग महिला के आगे उनके सामने समझा के घुटने पर बैठ के उनकी बात अगर अदब से सुनते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन हमारे देश में इस पर विश्लेषण जारी है, व्याख्यान हो रहा है और सबसे बड़ी बात तो यही है कि लोगों ने सीधे तौर पर यहाँ कल्पना कर दी कि गोदी मीडिया की भूमिका क्या होती अगर ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री मोदी कुर्सी पर होते, ऋषि सुनक नीचे होते, घुटनों के बल बैठे मोदी जी से बात कर रहे होते। तो मोदी जी ने ऋषि सुनक को, ब्रिटेन को, सबको घुटने पर ला दिया, इस तरीके की हेडलाइन बना दिए गए होते। यही बातें लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो बातें सामान्य सी हैं, शिष्टाचार से जुड़ी हुई हैं, उन बातों को कैसे बेवजह तूल देकर तिल का तार कर दिया जाता है, ये हम अपने गोदी मीडिया को करते हुए देख लेते हैं। इस तस्वीर पर अमर उजाला ने भी कुछ ट्विटर यूजर्स के कमेंट लिए। यहाँ पर लिखा गया है कि एक महिला यूजर ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, ऋषि सुनक जी सज्जन व्यक्ति हैं, वह बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना जी से कितनी विनम्रता से मिल रहे हैं। एक अन्य यूजर ने लिखा, बड़े आदमी में अहंकार नहीं होता, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ बातचीत करने के लिए आराम से फर्श पर बैठ गए हैं। तो लोग अपने हिसाब से इस तस्वीर के विश्लेषण में लगे हैं और यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने जो किया है वो उनके लिए बेहद ही सामान्य सी बात है, नेचुरल सी बात है, इसमें कोई बनावट छल कपट नहीं है। लेकिन यहां पर इसको मैनिपुलेट करके दिखाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। तो हर कोई दंग है कि ऋषि सुनक ने ऐसा क्यों कर दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।